होती है विद रिस्पेक्ट, ठीक है ना, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बच्चे। और ओरिजिन हमने कौन सा पॉइंट डिफाइन किया है, 0 0 इनिशियल पॉइंट। तो देखो इनिशियल पॉइंट से एक सेकंड में सपोज करो पार्टिकल यहां पहुंचता है तो ये वेक्टर मुझे चाहिए, ठीक है ना, ये P मान लीजिए, ये O मान लीजिए, तो हमें पोजीशन वेक्टर का मतलब है बच्चे OP वेक्टर चाहिए। OP इसका मतलब ये 0 0 है, अगर इसके कोऑर्डिनेट P के X कमा Y है तो पोजीशन वेक्टर हमारे पास बच्चे यहां से राइट कर सकते हैं पोजीशन वेक्टर दिस इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। यहां तक बात समझ में आई, पोजीशन वेक्टर अगर आर वेक्टर लिखना है तो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट बच्चे एक्स कामा वाई है, यस रौनक, तो एक्स कामा वाई है तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ये पोजीशन वेक्टर हुआ। अब देखो बच्चे एक्स की वैल्यू अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो एक्स इक्वल टू मैंने तुम्हें बताया था यू एक्स इंटू टी, क्योंकि एक्स जीरो, यू एक्स यहाँ पे देखो 20 cos 30 इंटू टी, टी इक्वल टू 1 सेकेंड दिया हुआ है आपके पास, तो बच्चे 20 √3/2 × 1 ये आंसर आ जाएगा 10√3 मीटर में। सिमिलरली वाई कोऑर्डिनेट बच्चे देखो यू वाई टी माई प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर, ये इक्वेशन यूज कर लिया, बेसिक रिलेशन यू वाई बच्चे 20 sin 30 टी की वैल्यू 1 दिस प्लस हाफ माइनस 10 इंटू ए वाई, ए वाई आपका जी है 10, ठीक है ना, और इंटू टी की वैल्यू 1 का स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास रिजल्ट आ रहा है बच्चे, इधर देखो क्या रिजल्ट आ गया, 20 sin 30 हाफ होता है तो ये 10 हो गया हमारे पास, और ये -5 t² ठीक है। अब बच्चे -5 t की वैल्यू 1 हो गई तो ये 5 हो गया, तो ये 5 हो गया हमारे पास, तो ये आंसर आ गया 5 मीटर, दैट इज आंसर। देखो आप आपका बाई की वैल्यू 5 आ गई, x की वैल्यू 10√3। बार बार प्रॉब्लम कर रही है आज लाइट, कुछ नहीं, चलो जब तक चलती है, इस बार तो मैंने कह दिया था कि नहीं आएगी तो फिर देखेंगे कल करेंगे। तो बच्चे देखो अब ये पोजीशन वेक्टर सभी को क्लियर हुआ कि नहीं, पोजीशन वेक्टर सभी को क्लियर हुआ, कनिका जल्दी बोलो पोजीशन वेक्टर कैसे निकालना है, ठीक है ना, वीडियो अपलोड बाद में, पहले इधर देखो, इधर लाइव क्लास और वीडियो अपलोड में बहुत फर्क होता है, रिपीट कर दें देखो, यस बच्चे फिर से रिपीट कर दें, इधर देखो जब भी हम लोग पोजीशन वेक्टर की बात करें यहाँ पे प्रोजेक्टाइल में या कोई भी रिलेशन काइनेमेटिक्स में अगर डिस्कशन करें तो पहला पॉइंट होता है टेकिंग इनिशियल पॉइंट एज ओरिजिन, फिर दूसरे पॉइंट पे क्या है कि टाइम कितना दिया हुआ है, उस टाइम इंटरवल में पार्टिकल की पोजीशन क्या होगी, इनिशियल में क्या थी, और फाइनली जितना टाइम इंटरवल गिवन है उस टाइम इंटरवल के बाद पार्टिकल की पोजीशन क्या होगी, ये आपको देखना। तो t इक्वल टू इधर देखो t इक्वल टू 0 पे हमारे पास ये 0 0 ओरिजिन पे है, और t इक्वल टू 1 सेकेंड में पार्टिकल हमारा यहां से यहां ट्रेवल कर गया, ये पॉइंट पे पहुंच गया बच्चे। तो यहां देखो पोजीशन वेक्टर हमारे पास ये x है, ये y है, ये आ रहा है पोजीशन वेक्टर x और y, तो x y कोऑर्डिनेट हो गए,
इसका मीनिंग ये है विराट यहाँ पे कि अगर हम एक्स और वाई कोऑर्डिनेट कैलकुलेट कर लेते हैं तो हम बड़ी आसानी से इसका पोजीशन वेक्टर राइट कर सकते हैं, और एक्स वाई आपके क्या है, डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन, और डिस्प्लेसमेंट एक्स वाई डायरेक्शन के इक्वेशन ऑलरेडी आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट अगर राइट करना है ऑडियो बच्चे बंद कर दीजिए। हेलो 140 वाले भी होते हैं वही तो मेरे, ये किसके यहाँ से आ रहा है देखिए क्या। हेलो, तो यहाँ पे बच्चे हमारे पास ये आ रहे एक्स वाई कोऑर्डिनेट, तो एक्स कोऑर्डिनेट के लिए देखो दोनों डिस्प्लेसमेंट है तो एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, लेकिन दो स्पेसिफिक डायरेक्शन में अप्लाई कर रही है, कौन कौन से, एक्स और वाई में। तो बच्चे एक्स में इक्वेशन अप्लाई की मैंने यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर विराट, और ए की वैल्यू कितनी होती है, जीरो, क्योंकि ए एक्स हमने दिखाया था यहाँ पे ए एक्स ओरिजेंटल में कोई एक्सीलरेशन नहीं, तो ए एक्स आपका जीरो हो गया बच्चे। तो यहाँ पे यू एक्स इंटू टी 20 cos 30 इंटू टी लिखा मैंने, ये 10 रूट 3 आ गया। सिमिलरली बच्चे यू वाई वाले इक्वेशन में देखो वी वाई यू वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, यू वाई कितना हो गया 20 sin 30 टी 1 हाफ ए की वैल्यू माइनस जी होती है इसमें माइनस जी माइनस 10 ये 1 स्क्वायर ये 5 वाली। अब ये दोनों एक्स वाई कोऑर्डिनेट आपने कैलकुलेट कर लिए तो पोजीशन वेक्टर आ गया। बोलो बच्चे यहां तक क्लियर है सभी को, पोजीशन वेक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे, और वो मैंने करके आपको बताया कि इस तरीके से पोजीशन वेक्टर आपका आ जाएगा। क्लियर, कोई डाउट हो बोलो। चलो अब नेक्स्ट, उसके आगे मैंने पार्ट पूछा आपसे फाइंड द एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड पोजीशन वेक्टर। तो देखो पोजीशन वेक्टर मैंने ये निकाल रखा है, क्या हुआ, हेलो हेलो